यह वीडियो हम बना रहे हैं अपने इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा के लिए। देखिए सर, मालूम है कि आप यहाँ पे जाबाज हैं, मालूम है कि आपने यहाँ पे इंडिया को सेमीफाइनल तक ले आया है, मालूम है कि आप यहाँ पे इंडिया को फाइनल जिता दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को यहाँ पे इंजर्ड कर लो। यहाँ पे यार आप प्रैक्टिस करने गए थे कि क्या करने गए थे यहाँ पे? नहीं मतलब भाई दुख हुआ यार यहाँ पे जब न्यूज़ वाले यहाँ पे भाई गलत सलत न्यूज़ दे रहे हैं कि यहाँ पे रोहित शर्मा हुआ इंजर्ड, रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा के हाथों में हो गया मतलब वो चोट लग गया, मैं कुछ और ही बोलने वाला था, रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा का हुआ ब्रेकअप, रोहित शर्मा यहाँ पे रो रहे हैं, रोहित शर्मा ये, भाई ये न्यूज़ वाले को ना कुछ काम धंधा नहीं होता है यहाँ पे। आज मैं सुबह सुबह उठ के स्क्रॉल कर रहा था, मैंने यहाँ पे देखा नॉर्मल एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, मैं देखता हूँ यार न्यूज़ वाले बोल रहे कि रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, मतलब रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए। मैं फटाफट गया भाई गूगल पे, यहाँ पे सर्च किया भाई रोहित शर्मा इंजर्ड, दिखा कि भाई रोहित शर्मा एक माइनर इंजरी हुई है रोहित शर्मा की, जो ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो उंगली पे चोट लग गई है, उसके बाद रोहित शर्मा ने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद वापस वो यहाँ पे इंजरी पे लग गया। बट ये भाई ये न्यूज़ वाले ना यहाँ पे हार्ट अटैक दिलवा देंगे यहाँ पे। मैं सोच रहा था भाई यहाँ पे अगर रोहित शर्मा नहीं खेला तो फिर इंडियन टीम को संभाले कौन? नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे भाई मतलब आशा लगा के बैठे कि हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतेंगे, यहाँ पे 2011 के बाद यहाँ पे 2022 को हम लोगों को थोड़ा खुशी का आंसू रोने का मौका मिलेगा। बट अगर उससे पहले ऐसे ऐसे न्यूज़ अगर देते हैं ना न्यूज़ वाले, भाई मैं तो नहीं देख रहा, मतलब ये गलत सलत न्यूज़ मेरे को ना पसंद नहीं आती है। सच्ची बताओ तो मेरे को यहाँ पे हार्ट अटैक दिलवाने वाला न्यूज़ मतलब ये देते हैं, ठीक है। तो इंडियन न्यूज़ जो मीडिया है ना यहाँ पे आप व्यूज़ के चक्कर में ऐसे ऐसे मतलब जो न्यूज़ है ना वो दिया मत करो, नहीं तो भाई मैं बता दे रहा हूँ सीधा सीधे मैं गाली देना स्टार्ट कर दूंगा, सारे न्यूज़ चैनल का नाम ले लेंगे, फिर मत बोलना कि भैया तुम गाली क्यों देते हो, तुम्हारा जबान इतना क्यों ख़राब है, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। मैं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चीटिंग नहीं। हमारे कैप्टन रोहित शर्मा जो है ना यहाँ पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने से पहले इंजर्ड नहीं हो सकते, उसको इंजर्ड नहीं होना है। अगर वो इंजर्ड है फिर भी वो बोले कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ, ऐसे करने दिए, और ऐसे ही करना चाहिए हर एक कैप्टन को। अगर बीच में कोई भी बोलता है ना यहाँ पे, भाई मैं सीधे से बता दे रहा हूँ, मतलब मेरे इंडियन टीम और जीत के बीच में अगर कोई आते हो ना भाई, सीधा सीधा मैं झाड़ दूंगा यहाँ पे तुम लोगों को, चाहे वो पाकिस्तानी फैंस हो, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेटर हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे इंडियन के गद्दार हो, चाहे इंडियन फैंस हो, कोई भी हो, मेरे से नहीं देखा जाएगा भाई। ये मैं हूँ यहाँ पे, मतलब इस बार वर्ल्ड कप जीतना ही है इंडिया को, ठीक है। और बात रही यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो देखो यहाँ पे कल यहाँ पे पाकिस्तान का मैच है यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ, और पाकिस्तानी बहुत ही खुश है, वो बोलते हैं कि हम लोग न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में चले जाएंगे और फाइनल में जाके हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। तो भैया ये हलवा नहीं है यहाँ पे, न्यूजीलैंड को यहाँ पे लूडो खेलने नहीं आई है कि भाई तुम लोग उसको ऐसे हरा दोगे, या फिर ये किट खेलने नहीं आई है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा देखो भाई यहाँ पे अपने आप को उतना मत समझो। और हाँ एक चीज़ और, न्यूजीलैंड का बात छोड़ो, पाकिस्तान का एक कोच है वो बोलता है कि हम लोग से टक्कर लेने लायक अभी तक कोई नहीं है। भाई इसको बोलो भाई सुट्टा वुट्टा कम मारा करे थोड़ा, मतलब ये फूक वूक के आके यहाँ पे सीधा इंटरव्यू में बैठ जाता है और इंटरव्यू में क्या बोलता है खुद ही याद नहीं रहता है। भाई यहाँ पे पहला मैच ही हारे थे तुम और बोलते हो हमारे सामने कोई टिकना नहीं चाहेगा, हमारे सामने कोई आना नहीं चाहेगा, नहीं ये गलत बात है भाई। यहाँ पे टीम का मॉरल बूस्ट करना है तो ये सब बातें अपने पर्सनल रूम में करा करो, जहाँ टीम बैठी रहती है वहाँ पे करा करो, बट ऐसे मीडिया में आकर बोलोगे तो भाई हम धो देंगे तुम्हें, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन न्यूज़ मीडिया, ठीक है यहाँ पे रोहित शर्मा के बारे में गलत बात नहीं सहेंगे भाई, रोहित शर्मा भाई गॉड है यहाँ पे, इंडिया को मैच जिताएंगे वो। चलो देखते हैं यहाँ पे कल में क्या होता है।